है। जैसा कि आपको याद होगा कि अगली वीडियो में हम लोगों ने अपना डायमंड कार में बनाया था, और मैंने चार्मर टेबल भी बनाया था जिसको मैंने एक्टिवेट कर दी, और यहाँ पर ये लगा रखे लेडर्स, उसकी वजह से मैं उससे नीचे जाता हूँ। यहाँ पर इंचार्मेंट करता हूँ, इसे मैंने पूरा मैक्स कर रखा है, बड़ी मुश्किल से हो रहा था ये। अब ये 30 लेवल का इंचार्मेंट दे रहा है गाइज। वी गाइज मैं चलता हूँ, पहले तो ट्रैप डोर बनाता हूँ, ट्रैप डोर को लगा देती हूँ यहाँ पर। अभी देखती हूँ मेरे पास क्या है या फिर नहीं, पहले सुबह कर देती हूँ। और गाइज मैंने यहाँ पर ट्रैप डोर लगा दी, और यहाँ पर मेरा अरेंजमेंट हो रहा है। अभी मैं नीचे चलता हूँ, देखता हूँ क्या क्या इंचार्मेंट मिल रहा है। पहले तो मैं अपनी एसपी 30 करके आता हूँ, अभी मेरी 30 एसपी हो चुकी है। अभी मैं अपने ऊपर से आर्मर लेके आता हूँ, अभी मैं अपने डायमंड आर्मर ले आया हूँ, अभी उसे इंचांट करता हूँ। अभी देख हमारी एसपी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, अभी मैंने अपने आर्मर को इंचांटमेंट भी कर दिया है, पर बहुत ही ज़्यादा बेकार इंचांटमेंट है। बस मेरी पिकस पे स्टिल टच है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात है, फॉर्चून होता तो और अच्छा होता। और अभी मुझे डिसइंचेंट करने वाला बनाना पड़ेगा, और अभी मैं पहले नीचे चलता हूँ और ग्राफिक टेबल में चेक करता हूँ कैसे बनता है डिसइंचेंट करने वाला। इसके लिए पहले इसे स्मेल्ट करना पड़ेगा। अभी हमारा आयरन स्मेल्ट हो गया है, तो आयरन से हम लोग बनाते हैं आयरन का ब्लॉक। ये बना आयरन का ब्लॉक, एक सेकेंड, और ये बना एनविल। भी एनविल को नीचे रख देते हैं, एनविल को वहाँ पर रख देते हैं। अभी गए जब भी मैं नीचे चलता हूँ, और मैंने डिसइंचेंट करने वाला भी बना लिया है। भी मैं किस चीज़ को डिसइंचेंट करूँ, मैं अपनी लेगिंग्स को डिसइंचेंट करना चाहता हूँ। स्पेशली वन लगा हुआ है, प्रोटेक्शन मनी है, ये कौन सा फायर प्रोटेक्शन, नहीं इसे हटाने के लिए ऊपर वाला लेते हैं और इसे डिसइंचेंट करते हैं। फायर प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, प्रोटेक्शन 4 मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। प्रोटेक्शन 4 मिल ही नहीं रहा है, प्रोटेक्शन 2 मिला है, सिर्फ चेस्ट प्लेट पर प्रोटेक्शन 4 है। अभी मेरे पास कुछ बुक सेल्फ भी हैं, जो कि थोड़ा बच गए थे, अभी मैं इन्हें भी तोड़ देता हूँ। सबसे पहले अभी इन्हें तोड़ के जो बुक मिलती हैं उन्हें भी इंचेंट करते हैं, क्या पता उनमें भी कुछ ना कुछ मिल जाए। प्रोटेक्शन तो मिल ही नहीं रहा है बिल्कुल भी, ये प्रोटेक्शन 4 ही चाहिए, प्रोटेक्शन 4 के बिना मज़ा नहीं आएगा। मेरा लेवल भी ख़त्म होता जा रहा है। ओ प्रोटेक्शन 4 मिल चुका है लगेज में, अभी बाकी में भी ऐसी प्रोटेक्शन 4 लाएंगे। हेलमेट बैंड ब्रेकिंग 2 बिल्कुल भी नहीं, अभी काफ़ी ज़्यादा लेवल ख़त्म हो गए है। अभी मुझे किसी तरह प्रोटेक्शन 4 लाना पड़ेगा। तो गाइस हमारे पूरे आर्मर पे प्रोटेक्शन 4 लग चुका है, ये देखिए। अभी अपनी सौर बिल्कुल घटिया है, सौर पे भी को बेकार इंचारमेंट है, और पिकस पे अच्छा है, सही है खासकर, और एक्स पर भी ठीक ही है जहाँ तक। और अभी जितना लेवल बचा है उससे इंचारमेंट करते हैं, वो देखते हैं कितना टाइस माइट आर मुझे चाहिए। पीछे ले लेते हैं, ये अपनी शॉट पर मैंने गलती से ले लिया, ऐसे अभी दूसरा लेना पड़ेगा। प्रोटेक्शन नहीं, कोई अच्छा सा इंचार्मेंट आ जाए, बस प्रोटेक्शन ही ले लिया मैंने। और अभी देखते हैं और क्या आता है प्रोटेक्शन के बाद। प्रोटेक्शन हम ये वाला चाहिए इंचारमेंट, प्रोटेक्शन 1 इसे भी रख लेते हैं,
और अभी आगे स्माइट वन, ठीक है इसे भी रख लेते हैं। अभी गाइस मैंने काफ़ी ज़्यादा इंचारमेंट करी है और अभी जो जो इंचारमेंट लग सकती है उसको मैं लगा लेता हूँ। क्योंकि तो मेरी सोर भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है। अभी इन्हें अपने चेस्ट में रख देती हैं, अभी इसे खोल के बाहर निकलते हैं और जो ऊपर वाला चेस्ट है इसमें रख देती हैं अपना आर्मर। ये रख चुका है, अपनी सोर भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और सबसे पहले हम लोग बकेट बना लेते हैं। बस आयरन आ गया लेकिन मैंने बकेट नहीं बनाई अभी तक। इसके अंदर मैं अपना फालतू सामान रख देता हूँ, ठीक है। अभी बकेट बनाते हैं सबसे पहले। ये बनी बकेट, और अभी पहले इसके अंदर पानी भर देते हैं। अभी पानी भर देते हैं फटाफट से, अभी सामने ही दिख रहा है। पूरे पानी भर चुका है, अभी चलते हैं वापस अपने घर पर। ये हम लोग पहुंच चुके हैं अपने घर पर और ये कुछ ही अंदर। ये भी मैंने एक ही बकेट बनाई है ना, हाँ। और अभी जो अपना चार आदमी बचा है उसे यहाँ पर रख देती हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतने ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको कोई वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।